हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इफ दी फोर्थ सेवेंथ एंड टेंथ टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। सो देखिए हमें हमें टी फोर ये हमारा हो जाएगा बेसिकली ए आर की पावर थ्री और ये हमारा एक्स के इक्वल है एंड T7 हमारा हो जाएगा ए आर की पावर सिक्स विच इज इक्वल टू y, T10 बेसिकली हमारा हो जाएगा ए आर की पावर नाइन विच इज इक्वल टू z। सो हमें ये प्रूव करना है xyz आर इन जीपी। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये कंडीशन अगर हमारी फॉलो हो जाती है तो हमारे ये एक्स वाई जेड हमारे जीपी में होंगे। तो हम लिख सकते हैं आर एच एस इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। सो एक्स है हमारा ए आर क्यूब एंड जेड है हमारा ए आर की पावर नाइन। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 12 हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते ए आर की पावर 6 इस पूरे का होल स्क्वायर। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारा वाई स्क्वायर के इक्वल है विच इज इक्वल टू एल एच एस। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सो ये